नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, 8 चरणों में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 2रे चरण का मतदान गुरुवार को संपन्न हो गया। 2रे चरण का चुनाव पूर्व मिदनापुर के 9 सीटों समेत पश्चिम मिदनापुर के 9 सीट, बांकुड़ा के 8 सीट और दक्षिण 24 परगना के 4 सीट मिलाकर कुल 30 सीटों पर मतदान हुए। इन सीटों पर 171 उम्मीदवारों के समर्थन में लगभग 75,94,000 मतदाताओं ने वोट डाले। 10,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां 700 अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। गुरुवार को संपन्न हुए 30 सीटों के मतदान में देश भर की निगाहें नंदीग्राम पर टिकी हुई थी, क्योंकि इस सीट से बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही थी और उनके अपोजिट में थे टीएमसी के बागी सांसद शुभेंदु अधिकारी, जो फिलहाल भाजपा में चले गए हैं और भाजपा ने उन्हें नंदीग्राम से अपना उम्मीदवार बनाया है। उनसे ही आज ममता बनर्जी की सीधी टक्कर हुई, जिसे लेकर यह सीट काफ़ी हॉट सीट बना हुआ था, जहां काफ़ी विवादों और नोकझोंक और आरोप प्रत्यारोप के बाद चुनाव संपन्न हुए। मतदान के दौरान ममता बनर्जी ने राज्यपाल से शिकायत की कि सीआरपीएफ के जवान मतदाताओं को भ्रमित कर रहे हैं और उन्हें वोट डालने में बाधा पहुंचा रहे हैं, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यपाल ने कहा, ठीक है, हम मामले को संज्ञान में लेते हैं, अब देखते हैं क्या हो रहा है। वहीं चुनाव आयोग ने दबाव में रिपोर्ट तलब करना शुरू कर दिया, जबकि जहां मतदान प्रतिक्रिया चल रही थी उससे मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि टीवी तो गई नंदीग्राम से, ममता बनर्जी चुनाव हार जाएगी। गौरतलब है कि मतदान के दिन उसी समय पर जब नंदीग्राम के मतदाता मतदान के जरिए ममता बनर्जी के किस्मत का फैसला कर रहे थे, तभी पीएम मोदी जी ने ममता बनर्जी के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया और कह दिया कि दीदी तो गई। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब खुद राज्यपाल को फ़ोन करके शिकायत करती है कि सीआरपीएफ के जवान मतदाताओं को मतदान नहीं करने दे रहे हैं, इसके लिए वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग के कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है, तो इस लोकतंत्र में संविधान बचा कहाँ? जब सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और प्रशासनिक जिम्मेवारी संभाल रहे व्यक्ति ही सवालों के कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे, तो किस लोकतंत्र की आप दुहाई देंगे? जबकि चुनावी घोषणा के दौरान सारी प्रशासनिक जिम्मेवारी चुनाव आयोग पर आ जाती है। मतदान के दौरान तैनात सीआरपीएफ की कमान गृह मंत्री के हाथों होती है, तो ऐसे में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि सीआरपीएफ के जवान किसी भी इशारे पर मतदान प्रक्रिया को खंडित कर रहे हैं, तो इन आरोपों के आरोपी कौन होंगे? जबकि अक्सर देखा जाता है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान जहां चुनाव होते हैं वहां पीएम मोदी की सभाएं होती है।